भारत और इंग्लैंड के बीच खेला जा रहा अहमदाबाद टेस्ट मैच बेहद इंटरेस्टिंग नज़र आ रहा है। जी हाँ, आपको बता दें कि इस टेस्ट मैच में अब टीम इंडिया पूरे तरीके से अपना शिकंजा कस चुकी है। आपको बता दें कि 14वें ओवर की पहली गेंद पर भारतीय टीम ने अंग्रेज़ों को चौथा बड़ा झटका दे दिया है और ये झटका लगा है बेन स्टोक्स के रूप में। दरअसल आपको बता दें कि बेन स्टोक्स आए थे कप्तान जो रूट का साथ निभाने, लेकिन वो कुछ खास कमाल नहीं कर पाए और यहाँ पर भारतीय टीम ने एक बार फिर बैकफुट पर ढकेल दिया है अंग्रेज़ी खेमों को। बड़ी बात यह है कि टीम इंडिया फिलहाल अंग्रेज़ों पर अपना शिकंजा कसती हुई नज़र आ रही है। 365 रनों पर पहली पारी पर ऑल आउट होने के बाद भारतीय टीम ने अंग्रेज़ों को 160 रनों की मजबूत बढ़त बनाकर रखी थी और इंग्लिश टीम को कहा था कि पहले आप ये 160 रन बनाइए और उसके जवाब यहाँ पर आगे की लीड चढ़ाई। लेकिन भारतीय टीम ने 30 रन के अंदर चार बड़ी विकेटें यहां पर गिरा दी हैं। अक्षर पटेल और अश्विन की जोड़ी एक बार फिर तहलका मचा रही है और चौथे विकेट के रूप में अक्षर पटेल ने चौथा झटका यहां पर दे दिया है अंग्रेज़ों को। यहां पर बेन स्टोक्स स्वीप करना चाह रहे थे अक्षर पटेल की गेंद को, लेकिन पीछे खड़े बैक स्लिप में उनका एक शानदार कैच लपका विराट कोहली ने और एक अच्छा कैच लपक कर टीम इंडिया ने एक बड़ा झटका यहां पर इंग्लिश टीम को दे दिया है। और अब ये देखना होगा कि टीम इंडिया किस तरीके से यहां पर जल्द से जल्द इंग्लिश टीम को समेटती है। भारतीय टीम की कोशिश होगी कि इस टेस्ट मैच को आज ही खत्म किया जाए। तीसरे दिन भी अगर ये टेस्ट मैच खत्म होता है तो ये काफ़ी शानदार होगा। हालांकि कप्तान जो रूट एक एंड से टिके हुए हैं, फिलहाल ओली पो पर जो रूट यहाँ पर क्रीज पर डटे हुए हैं और उन दोनों की कोशिश है कि मैच को आगे लेकर जाया जाए, लेकिन टीम इंडिया यहाँ पर फिलहाल इंग्लिश टीम को अपना पूरे तरीके से शिकार बनाए हुए है। ANP न्यूज़ रूम की रिपोर्ट।